वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम ईशा गोयल। तो आज मैं एक कोस्टर बना रही हूँ मोर पंखा कन्हैया के लिए, और ये मेरी फ्रेंड के लिए किचन है, ये ऑर्डर का है। दिस आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेटिंग मशीन ले लिया है रेजिन और हार्डनर को प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए। 3:1 इज़ द परफेक्ट रेशियो। कप का वेट 3 है, इसलिए मैंने रेजिन को 30 मिलाया है और हार्डनर को 10। रेजिन 33 दिखाएगा क्योंकि कप का वेट 3 है और मैंने टर्न नहीं किया है, तो इंक्लूडिंग कप का वेट 3 दिखा रहा है एक्स्ट्रा। सो रिमेंबर द कप का वेट इज 3, 30 रेजिन 30 है एंड हार्डनर इज 10, विच इज टू इन टोटल इट्स 43। आप अभी अच्छे से देख सकते हैं इट्स 43। सो मिक्स ऑल फॉर 10 मिनट्स, आई हैव मिक्स्ड इट फॉर 15 मिनट्स एट लीस्ट। अब मैंने कोस्टर में मोर पंख रख दिया है। कोस्टर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्रंट हिस्सा बाद में बनेगा। बुक में मैंने ऑलरेडी सारे फ्लावर्स को रखे हुए थे, मैं उसे निकाल लूँगी बुक से। सब फ्लावर एकदम प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए, ड्राई नहीं होंगे तो वो बाद में एकदम पेल हो जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा एक लेयर डालूंगी, थोड़ा सा रेजिन का लेयर, पतला सा। मैं बाद में वाइट कलर ऐड करूंगी आफ्टर 8 आवर्स, इसलिए पहले मैं एकदम थोड़ा सा हाफ बनाऊंगी उसे। तो सारे फ्लावर्स वगैरह को आप अच्छे से डाल दीजिए उसमें, और क्योंकि नीचे वाला हिस्सा फ्रंट हिस्सा बनेगा इसलिए मैंने मोर पंख को इसमें उल्टा रखा ताकि आप जब निकालें तो वो सीधा हिस्सा में दिखे अच्छे से। तो मोर पंख आप अच्छे से रख दीजिए, और जितने बचे हुए हैं सारे रेजिन और हार्डनर वैसे आप अच्छे से उसके ऊपर डाल दीजिए। कम्प्लीटली ऊपर तक फिल मत करिए, अगर आपको एक और लेयर ऐड करना है। मैं थोड़ा देर बाद वाइट कलर का एक और लेयर ऐड करूँगी इसलिए मैंने आधा ही भरा है। अगर आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप से पूरा ऊपर तक भर सकते हैं। अब मैंने जो कीरिंग बनाया है अपनी फ्रेंड के लिए, दिस वॉज एन ऑर्डर सो आई थॉट आई शुड मेक वीडियो ऑफ दिस ऑल्सो। ये सब मैंने एक लेयर पहले एस में ऐड कर दिया है, उसके बाद सारे फ्लावर, ड्राई फ्लावर जितने भी है येलो कलर के डाल दिए मैंने। आप उसके ऊपर आप रेजिन अपने हिसाब से डाल दीजिए। आई हैव नोटिस्ड कि जब हम लोग आराम से एक एक करके डालते हैं तो वो और क्लियर बनता है विथ लेस डॉट्स। ये क्रिस्टल्स, रेजिन क्रिस्टल्स भी बोलते हैं इसको। क्रिस्टल अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। दिस इज द हार्ट शेप। हार्ट शेप येलो कलर में अलग से दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप जब इसे आराम से आइसक्रीम स्टिक से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। दिस इज द क्लोजर लुक गाइस। अगर ड्राई फ्लावर है एकदम प्रॉपरली तो ये जो येलो है ये सूखने के बाद प्रॉपर येलो ही दिखेगा, पेल बिल्कुल नहीं होगा। आफ्टर 8 आवर्स तो कोस्टर में मैंने इसे ऐड, कोस्टर में मुझे ऐड करना था तो मैंने इसमें रेजिन हार्डनर ऑलरेडी मिक्स कर लिया 12:4 विच इज 3:1। कलर वाइट इपोक का मैंने कलर लिया, वाइट कलर। इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी, आप थोड़ा सा भी लेंगे तो बहुत अच्छा से वो मिक्स हो जाता है, बहुत ईजीली मिक्स हो जाता है। मिक्स इट, मिक्स करने के बाद आप अच्छे से ऊपर में पॉर कर दीजिए क्योंकि 8 आवर के बाद थोड़ा बहुत वो सूख गया है हल्का फुल्का जो पहले लेयर मैंने डाला था। तो आप उसे अच्छे से थोड़ा बहुत उठा के फैला सकते हैं अगर आपको लगेगा कि नहीं ख़राब हो जाएगा। नहीं होगा, यू कैन ट्रस्ट विथ दिस। आप अच्छे से आइसक्रीम स्टिक या अच्छे से उसे उठा के फैला दीजिए। आप प्लीज़ हाथ मत लगाइएगा उसे, हाथ में आप चिपचिपा भी हो जाएगा और वो पैचेज आ जाएंगे अगर आप उसे हाथ में लगाएंगे तो। आइसक्रीम स्टिक से नॉर्मली कर दीजिए, इट्स वेरी इजी। और कोई चीज़ के ऊपर ही रखिएगा, जैसे मैंने इसमें टिश्यू पेपर के ऊपर रखा है। आफ्टर 24 आवर्स यू कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। सो ये सूख चुका है अच्छे से और बहुत इजीली निकल गया है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, प्योर, एकदम प्योर, बिल्कुल बबल्स नहीं है, एकदम हार्ट क्लियरली दिख रहा है। और आप देखिए, अब इसे देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये हिस्सा सामने में आएगा, तो देखिए अभी ये कैसे दिख रहा है, ये सामने में आ रहा है। अरे दिस आर द रिजल्ट्स। नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, येलो कलर प्रॉपर दिख रहा है। दो लेयर आपको अलग से दिख रहे होंगे, एक ट्रांसपेरेंट का और एक वाइट कलर का, क्लियरली। और
इसमें भी आप देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट है, एकदम प्लेन, कोई रफ पैचेज या फिर चिपचिपाहट इसमें बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर कन्हैया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।